नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo S19 5G versus Realme GT 5 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो S19 में 6.44 इंच जबकि GT 5 Pro में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि S19 से कम है। विड्थ की बात करें तो S19 में 2.98 इंच जबकि GT 5 Pro में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि S19 से कम है। बात करें थिकनेस की तो S19 में 0.28 इंच जबकि GT 5 Pro में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि S19 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो S19 में 193 ग्राम जबकि GT 5 Pro में 218 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि S19 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन S19 में 1260x2800px FHD+ और GT 5 Pro में 1264x2780px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो S19 में 89.63% जबकि GT 5 Pro में 91.43% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो S19 में 453 पिक्सेल प्रति इंच जबकि GT 5 Pro में 450 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो S19 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और GT 5 Pro की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो S19 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और GT 5 Pro की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो S19 में Adreno 720 जबकि GT 5 Pro में Adreno 750 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो S19 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 और GT 5 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो S19 में 8GB जबकि GT 5 Pro में 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी S19 में 6000 mAh जबकि GT 5 Pro में 5400 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो S19 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 29,300 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें GT 5 Pro की तो वो 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 39,890 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में GT 5 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V40 5G है, दूसरा Vivo V40 Pro 5G है, तीसरा Nothing Phone 2A Plus 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें IQ Z9S Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।